और वो देखो अभी अपन को वहाँ पे जाना, वहाँ पे पूरे टॉप में एकदम। यहाँ से हम लोग के पास बहुत गलत हो रहा था, देखो वीडियो में आगे क्या होता है। जा कहाँ रहे हो तुम ही लोग को मैं देखने आ रहा हूँ। कहाँ से हो? नहीं अरे 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 बहुत ज्यादा डेंजर, बहुत ज्यादा खतरनाक और नहीं सका रहा है, फिर भी जा रहे हैं। क्यों विक्टोरिया बोलते हैं ना, वही हो माय गाइस। यहाँ पे जो मेन गेट था इसको अपन लोग गए थे ऊपर, और यहाँ पे जो गेट था उसमें लगा दिए हैं ताला, तो अभी क्या करना पड़ेगा कि जाके खुलवाना पड़ेगा, उसके बाद अपन का बाइक अंदर था तो बाहर निकाल के फिर आना पड़ेगा। नहीं तो हम लोग भी तो इधर से गए तो वीडियो बना रहा है मोबाइल बंद कर, मोबाइल वीडियो बना रहा है मोबाइल बंद कर, मोबाइल वीडियो बना रहा है मोबाइल बंद कर। ये है देवगढ़ का हेलो जी, राम राम सभी को। तो कैसे हो तुम? मैं उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। तो पिछले वाले वीडियो में अपन लोग आए थे एक शादी घर में, यहाँ पे कल रात हो गया था तो घर अपन लोग नहीं गए थे। उसके बाद सुबह हुआ, मॉर्निंग हुआ, उसके बाद अपन लोग आ चुके हैं कोरिया जिला के देवगढ़ मंदिर, जो कि पहाड़ के ऊपर स्थित है और यहाँ काफी अच्छा है। तो महाशिवरात्रि भी आने वाला है और शायद बोलते हैं कि यहाँ पे भोलेनाथ जी का मंदिर है, मेला लगता है। सब्सक्राइब करने के लिए बोलो। हम नहीं कर सकते वैसे वीडियो बनाने का नहीं रहेगा। काहे नहीं रहेगा? रहेगा। तो अभी अपन एंट्री गेट पे पहुंचे हैं और चलते हैं पहाड़ के ऊपर, और वो देखो अभी अपन को वहाँ पे जाना है, वहाँ पे पूरे टॉप में एकदम। चलो और यहाँ पे बोलते हैं महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पे मेला लगता है, अच्छा खासा भीड़ रहता है यहाँ पे, मतलब अच्छा से धूमधाम से होता है, बहुत ज्यादा भीड़ होता है। ये है तैयारी चल रहा है। अच्छा महाशिवरात्रि की तैयारी कर रहे हैं। हाँ। पहाड़ के बीच ऊपर पे एकदम चलेंगे। दूर से ये वाला रास्ता एकदम व्हाइट कलर का दिखता है और मतलब कि ऐसा लगता है कि इसमें बहुत खतरनाक है, बट पास में आ जाने से थोड़ा मैनेज हो जाता है, नॉर्मल रोड दिखता है। ये देखो गाड़ी ने नहीं चल पाया तो चेंज कर खराब हो जाएगा, चढ़ाना तो पड़ेगा भिड़ू। नहीं नहीं, नहीं भी नहीं जा पाएंगे। अरे भाई गाड़ी का चेन खराब हो गया है, गियर मत लगा, गियर डाउन है। रुक जा, देख गियर लग गया गाड़ी में पूरा। आगे आगे आगे। हाँ अरे भाई तुम लोग मोटी मोटी लोग बैठे तो उसमें कुछ नहीं हुआ। अरे हमारे मन डेको डेको गाड़ी है करे। अरे जितना दूर से खतरनाक दिखता है पास से भी उतना ही खतरनाक है। तू जो गाड़ी के जो प्रेशर था ना उसको मतलब ठीक किया, यही टूट गया। गाड़ी चौक नहीं रहा है, गाड़ी चौक खराब है। गाड़ी नहीं चौक रहा, बुरात रही गाड़ी है भाई। लॉक कर दो ना बाइक वाला, लॉक कर दो यही से। अबे यार गाड़ी का हालत खराब है, सारे सब पैदल जाते हैं लगता है, पैदल जा रहे हैं। अच्छा हम लोग का बाइक कहाँ तक आया था, यहाँ तक आया था? रोड देखा ना। अरे हम लोग दिए, हम लोग का ऐसा लग रहा था नहीं, हम लोग का गाड़ी का प्रेशर टूटा, उसके बाद पीछे बैक गियर लग गया था यू टर्न वाला।
नहीं तो इसमें गाड़ी चढ़ाने के लिए ऐसे नहीं बनाए होंगे ना, ऐसे पैदल जाने के लिए गाड़ी नहीं चढ़ पाता इसमें। हल्के में ले ले, हल्के में वही। और यहाँ तक आता तो यहाँ तक और गड़बड़ हो जाता। गाइस ज्यादा हंसने का कष्ट ना करें, रोने का कष्ट करें। क्या हो गया? यहाँ पे थोड़ा सा बैठ के अपन लोग पानी पीने चले जाते हैं। रास्ते में पानी निकल रहा था वहाँ पे। कहाँ से आता है? लंदन से। किसको पानी लगवा? तुम क्या जानो दो बूंद पानी का कीमत? फटके चार हो गया गाइस, बहुत ज्यादा मेहनत और प्लस धूप भी हो गया है। तो एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत ज्यादा डेंजर, बहुत ज्यादा खतरनाक और नहीं सका रहा है, फिर भी जा रहे हैं। बहुत ज्यादा मतलब की चढ़ाई करना पड़ता है, दूर से जितना खतरनाक दिखता है उतना खतरनाक पास से भी है। हार्ट बीट पूरा बढ़ जाएगा, उतरते समय भी दिक्कत है, ज्यादा नीचे टाइप से पड़ जाएगा तो भी एक थोड़ी दिक्कत है। मतलब कहाँ है पता नहीं, हम लोग फिसल गए, हम लोग गाड़ी उधर ही रह गया। आप तो मतलब स्पाइडर मैन टाइप से मतलब खड़खड़ा के आ गए ऊपर। हेवी ड्राइवर नहीं, जा कहाँ रहे हो? तुम ही लोग को मैं देखने आ रहा हूँ। अच्छा, अरे ऊपर जा रहे थे। जा कहाँ से हो? कटोरा से। अच्छा हाँ, नहीं पहचान रहे। तो जाओ ना यार, ऐसा कोई दिक्कत है, जाओ ना। चला जीजा, चला। लेकिन बता रहे यार, गाड़ी चढ़ा नहीं तुम लोग का बात। तीन तीन लोडिंग थे ना हम लोग, तीन। हाँ बस चार लोडिंग। अरे बाप रे, नहीं तो हम लोग फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे थे चढ़ाने के लिए, और आप हमेशा मतलब इधर ही रहते हैं तो कुछ फर्क तो रहता है ना। चार लोडिंग, वही गाड़ी लोग को देखा ना तो बोले कि यार कोई लड़की है, लड़की आए हैं और लड़का लोग। हाँ। तो मैं कहूँ दौड़ाता हूँ गाड़ी को। अच्छा, दौड़ा दिया कहीं पर, रुका हूँ कब मैं? नहीं नहीं, आपने आप ही को हम लोग देख के वहीं से यहाँ पे हम लोग रुके आपको देखने के लिए। पैदल आ गए हैं भैया साहब, है कि पूरा गाड़ी को हम लोग आपको ही देखने के लिए हम लोग भी यहीं पे रुके, कि वो चढ़ जाता है या नहीं चढ़ता इस टाइप से। नहीं होंगे ऊपर, कोई नहीं रहते हैं पुजारी वगैरह लोग? पुजारी नहीं होगा, नहीं होगा। कहा है ना यार, देखो हाँ। तुम लोग भी गांव के हो, झूठ बोलना एक ठो उचित बात नहीं है। हाँ। यहाँ कैठो समूह बनता है, कैठो समिति बनता है। हाँ। इन साल बनाया है मेरे को। अच्छा, डोगरधाम समिति का अध्यक्ष हूँ। हाँ। अच्छा। हाँ, इन साल तो मैं घर ही में था, तो आया था देवगढ़, तो बोले कि यार लड़की लोग को लेके जा रहे हैं बाइक वाले। मैं अरे बाप रे, है यार लड़के लोग हैं। हाल हाल खबर लेना। हाँ जरूरी है, गाड़ी को दौड़ाया है ना आजकल, समझ रहे हैं? वो बात है यार, वो बात नहीं है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ सब यही है, सब है ना। मजा आ रहा ऊपर। अच्छा चलिए, हम लोग भी पीछे पीछे आ रहे हैं। हाँ नहीं 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 नहीं, अरे अरे
गियर को अप डाउन कर लीजिएगा। ये जो एक तो अंकल आए थे, ये यहाँ के अध्यक्ष थे, यहाँ पे बता रहे थे लड़की लड़के लोग आते हैं यहाँ पे कुछ गाड़ी गलत लेते हैं। गाड़ी को यही करिए, साथ में चलिए, गाड़ी कहीं लगा दीजिए, रिस्क मत लीजिए, फालतू कुछ दिक्कत हो जाएगा ना। आप गाड़ी कहीं लगाइए, इस बार चालू करेंगे तो पूरा चढ़ा के ही छोड़ेंगे। भूलने मत देना ना, गाड़ी को भूलने मत देना। हाँ ठीक, यहाँ के अध्यक्ष है तो फिर एक्सपीरियंस तो होगा, कई बार चढ़ा चुके होंगे गाड़ी। गाड़ी पूरा मतलब चढ़ा के ले जाते हैं इन लोग, हम लोग से तो नहीं हो पाया भाई, रिस्क बहुत ज़्यादा था और फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे थे, चढ़ा रहे थे तो थोड़ा सा डर भी लगा, क्योंकि क्या पता कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसीलिए अपन रिस्क नहीं लिए। ये अंकल ऊपर से नीचे जा रहे हैं, अब जा रहे हैं, हो गया ठीक है, आराम से जाइएगा। एक्सपीरियंस बोलते पूरा 100% पूरा हेल्थ खत्म, पूरा एनर्जी खत्म, फाइनली गए, आ गए गाइस, थक गए लेकिन बहुत थक गए लेकिन आ गए, पहुंच गए जहां का इंतजार था। यही झंडा वो दूर से दिखता है, ये वाला बहुत दूर से देख सकते हैं, ये इसका लोकेशन है, है ना। दूर से आप लोग देखेंगे तो नज़ारा कुछ इस प्रकार से दिखेगा, और दूर से अगर देखेंगे तो रास्ता टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा, पर थाई का पूरा वाट लग गया है हम लोग का, और देख सकते हैं उधर सगा लोग हैं, पूरा सब थक गए हैं पूरा, और हम लोग आ चुके हैं। तो यहाँ पे ये मंदिर है, और अभी मंदिर जस्ट बनने वाला है, तो बन जाएगा तो फिर यहाँ का यानी पॉपुलर थोड़ा सा हो जाएगा। अभी तो फिलहाल हुआ है कि नहीं हुआ है मेरे को नहीं पता, मैं भी आज पहली बार फिलहाल आ रहा हूँ यहाँ पे। और ये देखिए इधर का बन रहे हैं, और वहाँ भैया साफ कर रहे हैं, इनसे कुछ पूछ लेते हैं जानकारी। जय माता दी, जय माता दी। साफ सफाई चल रहा है महाशिवरात्रि के लिए। भैया लाल यानी यहाँ के वो हैं विधायक, विधायक उन्हीं के अंडर में आता है, उन्हीं का ये क्षेत्र है। जगह तो ठीक है, कुदरगढ़ रामगढ़ जैसा, बट यहाँ पे सीढ़ी नहीं है, यहाँ पे रोड है, रोड है पूरा पूरा, और रोड में कोई कोई रिक्स भी ले लेता है, हम लोग भी रिक्स ले लिए थे पर हम लोग फेल हो गए, हम लोग अपना पार्किंग वही लगा दिए। हाँ है ना, आधा दूर रास्ता से ही। बाकी यहाँ पे यहाँ का वो है वाइट झंडा यहाँ पे है, और बाकी इस साइड मंदिर वगैरह अभी पेंडिंग में है, अभी फिलहाल नहीं बना है, मतलब कि यहाँ पे भोले बाबा का ही मूर्ति स्थापित किया जाएगा आने वाले समय में। यहाँ पे अभी से ही देख सकते हैं तैयारी है, यानी इस बार आप लोग आइएगा तो पूरा यानी खूब अच्छा लगेगा, पर यहाँ पे उस टाइप से यानी बोलिएगा कि नहीं मूर्ति हम लोग आके सेल्फी खिंचवाएं, तो वो टाइप से यानी लोकेशन नहीं है, बस यहाँ पे आइए, दिल से अपना मन्नत मांगे जरूर पूरा होगा। हाँ दिल से मांगे जरूर पूरा होगा। जय भोले बाबा, जय भोले बाबा। और ये देखिए यहाँ पे कुछ है, और यही मंदिर है भोले जी का, अभी पेंडिंग में है फिलहाल, ये काम धीरे धीरे होगा, काम अभी फिलहाल चलेगा इसका, अभी अच्छे से पूरा पूरा नहीं बना है। और यहाँ से जो लोकेशन है, यहाँ का एरिया दिखता है, जो ये चेक करो पूरा, मतलब कि इस साइड में वाओ, और हवा भी ठंडा ठंडा मस्त आ रहा है, मजा आ रहा है, बट रास्ता में चढ़ाई करने से थोड़ा सा दिक्कत प्रॉब्लम हुआ। काफी सुंदर सुंदर व्यू तो है, प्यारा सा, इस कोने से काफी अच्छा है यार यहाँ का लोकेशन, मजा आ गया। हालांकि रास्ता में जितना समस्या प्रॉब्लम हुआ, बट भोलेनाथ साथ थे तो उतना भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। दिल से मानो तो भगवान, और ना मानो तो पत्थर, बोलते हैं ना। वाह यहाँ पे कुछ ठीक नजारा, क्या ठीक, ओ भाई जन्नत
जन्नत तो यहाँ है, यहाँ जाओ, यहाँ यहाँ ठीक है। ओ गाइस, यहाँ पे जो सुकून जो मजा है ना, वो कहीं पे नहीं है, बोल सकते हो यहाँ पे। ओ तो गाइस, आप लोग को भी यहाँ का लोकेशन दिखा दिए, मंदिर वगैरह दिखा दिए, बाकी यहाँ से आप सभी को यहाँ का लोकेशन दृश्य दिखा दिए, कैसा था, क्या सीन था यहाँ का। अब चलते हैं यहाँ पे डांस करते करते यहाँ से जाते हैं नीचे। यहाँ से नीचे चलते हैं पहले, फिर नीचे से आप लोग। बहुत आनंद आ रहा है, जा रहे हैं नीचे तो अभी आ रहा है, बट नीचे जाते जाते बड़ा आनंद आएगा। जाते जाते लगा धूप जोर से, और ये देखो देसी जुगाड़। हेलो सर, मैं आदिवासी छोड़ा, अब इधर मैं फिर मेरे को ठंडा ठंडा लगिस ना, तो मैं थोड़ा सा अपने लिए जुगाड़ छतरी बना लिया हूँ, तो मुझे बहुत मजा आते, मजा आते जी। क्यों विक्टोरिया बोलते हैं ना, वही हूँ मैं गाइस। आओ बुढ़िया दादी जल्दी। पीते जाओ पीते जाओ, पी पानी की कीमत क्या जानो राजा बाबू, एक फुटकी की कितनी कीमत आ रही है सबसे वाला हाल है। पीने का मजाक नहीं करने का, मजाक नहीं करने का बिल्कुल। ओम किलिम चामुंडा इसमें बोल रही, पानी पी रहे हैं हमारे मंत्री जी, मंत्री जी अध्यक्ष जी। जंगल में आए और जंगली जानवर ना दिखे तो काफी फायदा। और गाइस, अभी और समझते लगा में जाओ तो कुछ धरो या मत धरो, थोड़ा सा बिस्कुट धर लो ताकि बंदर लोग को देने के लिए, और लोग रहते हैं खाने पीने के लिए। ऊपर में यहाँ कुछ भी नहीं मिलता, वो अकेला था, हम लोग बहुत सारे लोग थे, इसीलिए थोड़ा सा डर के भाग गया। चलो यार, फाइनली अपन पहुंच गए लगभग आधा घंटा एक घंटा संघर्ष करने के बाद बाइक के पास। बहुत ज्यादा इस ब्लॉग के लिए संघर्ष भी करना पड़ा, बट कोई बात नहीं, एक लाइक एक कमेंट और एक शेयर कर देना, उतना के लिए हम कर सकते हैं ऐसा काम बिल्कुल। यहाँ पे जो मेन गेट था इसको अपन लोग गए थे ऊपर, और यहाँ पे जो गेट था उसमें लगा दिए हैं ताला, तो अभी क्या करना पड़ेगा कि जाके खुलवाना पड़ेगा, उसके बाद अपन का बाइक अंदर था तो बाहर निकाल के फिर आना पड़ेगा। अब जाके देखते हैं कैसा क्या सीन रहता है। मेरे ख्याल से यहाँ उतना परमिशन नहीं रहता खाली समय में, क्योंकि यहाँ पे रिक्स थोड़ा रहता, थोड़ा नहीं बहुत ही ज़्यादा रिक्स रहता है, मतलब कि इसीलिए यहाँ हमेशा बंद रखते हैं, जिस समय मतलब मेन मेन कार्यक्रम होता होगा उसी समय खोलते होंगे। अब देखते हैं क्या सीन रहता है। नहीं आधा दूर में ही छोड़ के चल गए थे, बस गेट के अंदर था उस पर। हाँ नहीं तो हम लोग भी तो इधर से गए, तो वीडियो बना रहा है मोबाइल बनकर। तो गाइस, अगर आप लोग भी यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे बहुत सारा रूल्स रेगुलेशन है, जैसे कि कुछ कुछ बाइक लेके पूरा ऊपर तक टॉप में चल जाते हैं, तो वहाँ ढलान बहुत ज्यादा है ना, खाई है अगल बगल में, इधर उधर गिर गिर जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है। और यहाँ के लोग जो रहते हैं, यहाँ पे सदस्य जो कार्यकर्ता लोग रहते हैं, उन लोग फंसने का चांस रहता है, मतलब कि इसीलिए वहाँ पे मना करते हैं। हम लोग भी मना कर रहे थे, बट हम लोग फर्स्ट टाइम आए थे, हम लोग को पता नहीं था ऐसा कुछ भी होता है, इसीलिए थोड़ा सा दूर ले जाके बाइक को भी रख दिए थे। और वीडियो में तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि हम लोग का बाइक भी चढ़ा नहीं पा रहा। मेन कार्यक्रम होता है जैसे कि महाशिवरात्रि हो गया या पूजा पाठ वगैरह वाला, जितना भी मतलब कार्यक्रम होता है उस सब में आ सकते हैं। यहाँ पे अगर पूजा पाठ आप करने आएंगे या घूमने आएंगे तो, और आएंगे तो वहाँ पे परमिशन लेके ही अंदर जाइए, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा उतना ज्यादा। तो ठीक है, इस पर लोग को भी करते हैं, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाबा।